आज जिला राजौरी के दराज गांव के स्थानीय लोगों ने डीएमओ और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलीगल माइनिंग के चलते दरिया में बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही आज जब कुछ लोग अपने मवेशी लेकर जा रहे थे तो उनके मवेशी नदी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में रोड जाम कर प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्तन वक्तन हमारे जो लोग हैं उनकी आवाज उठाते हो। हमें आज बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि सुबह का वाकया है ये। अपनी भेड़ें जो है ट्राइबल लोग, जो खासकर बकरवार बरादरी के लोग ये बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हमारी, ये माता बैठी हुई, ये भाई साहब बच्चे, पूरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तो हमें भी शोक नहीं है कि हम आए दिन आकर रोडों पर बैठे, लेकिन हमें जब गुंडागर्दी मिलती है पुलिस प्रशासन की द्वारा तो फिर हमें रोडों पर उतरना पड़ता है। अगर ये प्यार से हमें कहें तो हम कहीं न कहीं बात को सॉल्व भी करते हैं, लेकिन इन गुंडागर्दी की वजह से आज हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे सीनियर, अभी डीसी साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी नुकसान इनका हुआ है हम पूरा भरपाई करेंगे। लेकिन मैं डीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि जब जब उन्होंने कमिटमेंट किया उसको पूरा खरे उतरे हैं वो। लेकिन आज ये जो ट्राइबल लोग बैठे हैं इनके साथ, जब मुझे सुबह कॉल आई है, मैं भी अपनी डोक में गया हुआ था किसी काम से, तो मैंने बोला कि मैं अपने साथियों से, लतीफ भाई थे, नजाकत भाई थे और भी जितने साथी थे, कि इस तरह से मसला बन गया, आप वहां पर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। तो जैसे यहां पर हम पहुंचे तो यहां पर जो पुलिस प्रशासन लगाई गई थी, ये जो इनकी गुंडागर्दी मेरे ऊपर भी हाथापाई करने पे उतरे, लेकिन मैं इनको वाजिया कर देना चाहता हूं कि आप लोग हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। हम सच बोलना जानते हैं और हम यहां पर 90% जो मुस्लिम मेजोरिटी लोग में रहते हैं और इन लोगों के तहफ़ की वजह से हम यहां पर रह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर अगर जुल्म सितम होगा तो हम इनके साथ खड़े होंगे। और आज हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि जो इनकी 10 बेड़े जो नुकसान हुई हैं जल्द से जल्द भरपाई की जाए। और साथ ही साथ जो शिकंजा अगर इनके ऊपर कसा नहीं, मैं पिछले दिनों में मैंने आवाज उठाई तो 10 दिन मशीनें बंद रही, लेकिन उसके बाद फिर से ये पैसा लेना शुरू कर गए, चाहे उसमें डीएमओ हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए नीचे सत्ता पर जो नीचे ऑफिशियल लोग हैं वो पैसा कलेक्ट करने में जो माहिर हैं। माइनिंग माफिया हमारे लोगों को कहती है कि हम इस पुलिस प्रशासन को पैसे पे तोल सकते हैं। आप देखो इतनी बड़ी गुंडागर्दी, इतनी बड़ी बात वो माफिया बोल रहे हैं, तो इनसे इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी। ये हमारे लोगों को तो कुचल जाएंगे, जिस तरह से आज मेरी माई को धक्के मारे, पूछो इनको।